जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मंगलवार को मोहद्दीपुर स्थित रियाज ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया, जिसमें कोविड-19 के मानक के अनुरूप विभिन्न कमियां पाई गईं, जिसके बाद उस अस्पताल के ओटी को सील कर दिया गया। साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों को डिस्चार्ज करने के बाद अस्पताल को भी सील कर दिया जाएगा। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि उक्त अस्पताल में कोविड-19 के मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग को सूचना नहीं देने के पश्चात अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर सील कर दिया गया है तथा तत्काल प्रभाव से ओपीडी पर रोक लगा दी गई है। साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों को यथाशीघ्र डिस्चार्ज कर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से टेलीफोन पर बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी और एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, रियाज हॉस्पिटल में ये प्रॉब्लम थी कि वहां से एक कोई पॉजिटिव केस आया था, उन्होंने हमें इन्फॉर्म नहीं किया, जबकि ये मैंडेटरी है कि सीएमओ को इमीडिएट कोई पॉजिटिव केस को इन्फॉर्म करना पड़ता है। किसी प्राइवेट लैब से उन्होंने टेस्ट कराया था, तो उसकी जांच में एसडीएम और हमारे एडिशनल सीएमओ, एसडीएम का कोई प्रतिनिधि था, वो सब गए, तो वहाँ न केवल ये इन्फॉर्मेशन की बात थी बल्कि और बहुत सारी कमियां, कोई वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई उनके यहाँ बायोमेडिकल का ठीक प्रबंधन नहीं, और वो सब चीजें देखी गई। उसकी वजह से उनका वो ओटी वगैरह सील कर दिया गया, क्योंकि पेशेंट लेटे हुए थे, इसलिए पेशेंट्स जो नॉर्मल हो जाएंगे उनको डिस्चार्ज करने को उनको बता दिया गया है। उसके बाद उनका हॉस्पिटल सील होगा और आगे की कार्रवाई होगी। आज शहर में एक रियाज ऑर्थोपेडिक सेंटर, उसकी शिकायत थी कि कई सारे कोरोना पेशेंट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने बिना सूचना दिए प्रशासन को उनको अपने यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया। तो ऐसे में क्या होता है कि संक्रमित व्यक्ति किन किन लोगों के संपर्क में आता है तो संक्रमण का खतरा बना रहता है। तो कई बार शिकायत पहले भी मिली थी, कई बार चेतावनी भी दी जा चुकी थी, तो आज हमने उसको स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर सील कर दिया है और अभी आदेशों तक वो सील ही रहेगा।